मेरा नाम सुजाता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आत्माराम सतनाम कॉलेज से मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स किया है और मैं स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं दिल्ली से यहाँ अहमदाबाद आई हूँ पहली बार इस अहमदाबाद के शिविर में 7 दिन का अटेंड करने के लिए, और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ जो हम घर में नहीं कर पाते हैं, 4 बजे उठना, प्राणायाम करना, आसन करना, जप करना, वो सारा का सारा जो हमारा रूटीन होना चाहिए नॉर्मली, वो हम यहाँ पे फॉलो कर पा रहे हैं। अब बापू जी के किसी भी आश्रम में जाओ तो एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव होता है। जैसे ही हम अंदर पाँव रखते हैं, एक अलग ही तरह का शांति और आनंद महसूस होता है। 2009 में मुझे बापू जी से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, तब मुझे पता चला कि मंत्र दीक्षा कुछ होती है, सरस्वती मंत्र कुछ होता है। इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। और 2009 से जब से मैंने दीक्षा ली है, मेरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बातचीत करने का तरीका एक अलग ही लेवल का हो चुका है। मेरे को कोई झिझक नहीं होती किसी से भी बात करने में, कहीं भी कुछ बोलने के अंदर मैं हजारों लोगों के सामने भीड़ में खड़े होकर बोल सकती हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है। और बापू जी के बताए गए तौर तरीकों, नियम, आसन, प्राणायाम, जो छोटी छोटी युक्तियाँ बापू जी बताते हैं, वो संसार के बाहर के लोगों में कहीं नहीं मिलती है। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में सारे के सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जो हम कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं आज की डेट में, जो हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो ही सही नहीं है। 95% जो हम नॉलेज हम लेते हैं आज अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, वो कभी कभी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आती है। जब भी एक इंसान को नौकरी लेने के लिए जाना होता है तो उसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है 6 महीने की, जो उसके पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग हटकर होती है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का मौका मिलता है और ये चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं, जिससे कि हम हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आज चल रहे हैं वो अंग्रेजों के बनाए हुए ही हैं, और वही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो चाहते हुए थे इसलिए उन्होंने सारा का सारा अंग्रेजी सिस्टम बना दिया है। लॉर्ड मैकाले ने ये चीज़ करने के लिए बाहर से अपने साथियों को बुलाया था कि इस किस तरीके से यहाँ पता करो भारत में कि क्या चीज़, भारत में क्या स्ट्रेंथ है और क्या इनकी वीकनेस है। तो उनको पता चला भारत में 1836 की बात कर रही हूँ मैं, ना यहाँ पे कोई चोर है, ना यहाँ पे कोई भिखारी है, यहाँ पे सारे लोग स्वयं अपना काम करते हैं और भारत बहुत अमीर देश रहा है हमेशा से। तो फिर उन्होंने ये भी पाया कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको तोड़ने की ज़रूरत है, और उन्होंने वो चीज़ ज़बरदस्ती लोगों को मारपीट करके, अध्यापकों को, गुरुकुलों को तोड़फोड़ करके उन्होंने कम्प्लीटली उसको नष्ट कर दिया। अभी जो मैंने यहाँ संदेश पाया, बहुत ही अद्भुत संदेश मिला, जैसे बापू जी ने 30 गुरुकुल आज पूरे भारतवर्ष में खोले हैं, इस तरह से ही हमारे जैसे लोगों को, युवा पीढ़ी को, भारत एक सबसे ज़्यादा यंग युवा पीढ़ी देश है, जहाँ पे 25 से 35 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग की आबादी भारत में बसती है। भारत एक बहुत ही संपन्न देश है, ये कुछ इन चीज़ों के चलते हम कहीं ना कहीं आज कमज़ोर पड़ गए हैं। तो ये चीज़ हमें भारतीय संस्कृति को फॉलो करना चाहिए खुद, और फिर हमें दूसरों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। ये आज समय की मांग है और बहुत ज़रूरी है। जो लोग बापू से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है, जिन्होंने कभी भी 5 मिनट का भी बापू जी का सत्संग सुना है, या TVD के द्वारा, कैसेट के द्वारा, या लाइव भी, तो वो अपने आप ही महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समाज में दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, स्पेशली समाज के लोगों को, मीडिया जो दिखा रही है, अगर आप किसी भी मीडिया कर्मी के इंसान को जानते हैं जो मीडिया से जुड़े हैं, आपके रिश्तेदार, जानकार, तो उनसे एक बार जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको मीडिया की सारी सच्चाई बता देंगे कि मीडिया में होता क्या है, किस तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है। जिस तरह हम फिल्में देखते हैं उसी तरह मीडिया में बना के दिखा देंगे तो कोई बिग डील नहीं है। दूसरी चीज़, मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक बार बापू जी का कोई भी एक सत्संग, ऋषि प्रसाद, किताब, पुस्तक, वीडियो एक बार ज़रूर देखें। YouTube भरा पड़ा है, एक बार देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बापू जी की कितनी बड़ी महिमा है, वो आप बिना पढ़े, बिना अनुभव किए कभी भी नहीं पहचान सकते हैं।